तो यहाँ पर सबसे बड़ी सोच लोगों की ये थी कि प्राइवेट विद्यालय में ज़्यादातर बच्चों को भिजवाया थे और अभी भी भिजवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने प्रयास ये किया इनसे संपर्क करके कि भाई हम यहाँ पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण देंगे और अच्छा जो है बेहतर तरीके से जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद कि ऐसे भी सदस्य मेंबर होने नाते जब हमारे सीताराम चावला जब से हमारे स्कूल में लगे तो हमारे स्कूल में अस्त व्यस्त फैले। इसके आने बाद इन्हें सब गाँव वालों को जोड़ा, थोड़ी कुछ मेहनत भी करते थे, कुछ मेहनत हम भी करते थे इनके साथ में। प्राइवेट स्कूल यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ से चार किलोमीटर जो है बासेड़ा में प्राइवेट स्कूल है और 3 किलोमीटर टोडराइसी है यहाँ से, तो वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूलें बहुत सारी है। तो बच्चे कुछ ज़्यादातर बच्चे जो है वहाँ पर जाते थे, तो मैंने प्रयास किया और उन बच्चों को कुछ हद तक मैंने जो है रुकाने का प्रयास किया, नामांकन में वृद्धि हुई। तो इन्होंने खुद ने मेहनत की, छुट्टी होने के बाद भी जैसे अपन चौपाले बैठे वहाँ चले जाते हैं कि भाई बच्चों को आप सरकारी स्कूल में प्राइवेट पढ़ाते हो, 100 रुपये महीने देते हो आप, अम्मी नहीं साथ थे भाई बिल्कुल 100 रुपये देते ही मुझे, पढ़ाई का कोई सराज नहीं उन बच्चों को, इन बच्चों के हम ताल्लुक में क्या है तो कोई नगण्य स्वभाव। फिर हमने समझाया, नहीं कुछ समझ में बैठी इस बात भाई, इन बच्चों को दाखिल यहाँ करो। और इस नामांकन की वृद्धि के कारण ही अगस्त 2010 को SDM साहब के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। बढ़िया प्रधान अध्यापक दिया गया, अच्छा है, तो सब बच्चों को यहाँ दे दो, ये होती है रोज मेरे से बात, गाँव वालों से बात होती है, उनसे बातचीत करते बैठ गया बैठिए करते। तो अब फिर अगली बार ज़्यादा कर देंगे यहाँ, सब कह रहे थे भाई अडेग नौ बच्चे बच्चे मतलब जो लोग जब अपने प्राइवेट फटाफा से तो अच्छा मास्टर यहाँ है गए तो अडे बढ़िया पढ़ाई देगा। सबसे पहले तो प्रयास मैंने गाँव वालों को समझाने का किया, दूसरा प्रयास मैंने अध्यापकों पर जो है उनको समझाया भाई अपने को अपना जो कार्य है उसको प्रगति देना है और जैसा अपन चाह रहे हैं उस तरीके से उसको अंजाम दें ताकि बच्चों में जो है शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन आ सके और गाँव वाले भी जो है अपन से संतुष्ट हो सके। इनसे पहले यहाँ 60 बच्चे थे टोटली, जब इनसे आए इनकी मेहनत के बाद 120 बच्चे मेरे साथ करीब थे, पढ़ाई वैसे अच्छी चल रही है, ऊपर वालों का आशीर्वाद है हमारे 5 अध्यापक यहाँ कार्य करते हैं और जब भी हम देखते हैं हमारे अध्यापक बराबर कंट्री पढ़ाई देखते ही मिलती है, हम चेक करते कभी आ जाते हैं तो हमारे पढ़ाई का सुधार मिला है हमको। व्यवस्थाएँ सबकी जो है पीरियड वगैरह जो सुव्यवस्थित जो चलते थे उनको मैं सबसे पहले जा करके भी देखता था, वही अध्यापक जो है इसमें पीरियड में गए कलांश लग गया उस कलांश में गए नहीं गए, मैं खुद एक बार भ्रमण करता था, उसके बाद भी फिर मैं मेरे जो क्लास जो लेता था उसमें मैं जाता और उनकी गतिविधियाँ भी देखता था भाई ये अध्ययन किस तरीके से करवा रहे हैं और उन लोगों ने मेरा इतना अच्छा सहयोग किया, अध्यापकों ने भी जो है वातावरण जो है सही गाँव का विकास भी हो साथ ही स्कूल का विकास भी हो। यहाँ से हमारे अधिकतर यहाँ 60% बच्चे बालिका बढ़ते अधिकतर बच्चे कम है विशेषकर हमें कभी देखा है जो शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं उसको भी जो है हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट रखा है, हमने उसको डिवाइडेशन कर रखा है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे आज हिंदी का दिन है तो जैसे दोहे मैथमेटिक्स का गणित का जो डे है उस दिन जो है अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ और दोहे तो प्रतिदिन हम जो है उसमें वाचन करवाते हैं, प्रत्येक बच्चे से वाचन करवा लेते हैं, हॉस्टल में कम होता है तो क्लास वाइज करवा लेते हैं हम उस तरीके से वाचन करवाते हैं और आधा घंटे का तुम्हारा 20 मिनट का जो समय है तो वो उसको उसमें पूरा करते हैं। मतलब प्रार्थना जो है हमारी बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से होती है, इसमें कतई कोई भी किसी प्रकार का हो पेयजल की यहाँ समस्या है क्योंकि वैसे टाका बना हुआ है लेकिन वो बेकार है, हेडपम्प है वो भी डैमेज है, पानी की समस्या तो बाहर ये हेडपम्प लगा हुआ है इसी से बच्चे पीते हैं और हालांकि हमने जो टंकियाँ वगैरह ला रखी है उससे
जो है पानी का जो थोड़ा सा खरा है। गांव का लोग स्कूल के बारे में यही बोलते हैं भाई अच्छा का मास्टर है अपना अच्छा पढ़ाई कराते हैं, बहुत देख रख कर रखी है इन्हें स्कूल की, बच्चे बच्चियों में बढ़िया ध्यान देते हैं।